everyone, मैं हूँ कविता कपूर एंड वेलकम यू ऑल फॉर दिस एपिसोड ऑफ मूवी वाणी. और आज हम बात करेंगे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. कैसा लगा ये तो जनता ही बताएगी. आज हम देखते हैं कि टैरो एंड एंजल्स को कैसा लग रहा है उनकी मूवी के बारे में. ट्रू लव के रास्ते में कोई ना कोई सियापा होता ही होता है. अगर ना हो तो लव स्टोरी में फील कैसे आएगी. तो हमारा पहला सवाल जो है वो ये होगा कि ये मूवी के कॉन्सेप्ट को क्या लोग अपना पाएंगे, कि क्या होने वाला है. थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड अगर दिया जाए इस मूवी के बारे में, जो मुझे प्रोमो से और गूगल बाबा से पता चला है वो ये है कि ये मूवी थोड़ी अलग होगी. 25 साल के बाद एक मूवी आ रही है जिसके ऊपर गाना बना था. लेकिन इस मूवी में 25 साल पहले उस अनिल कपूर साहब जो हैं वो प्रेम करते हैं किसी लड़की के साथ. यहाँ पे लड़की के ऊपर फिल्माया गया ये सब, और शायद लड़की प्रेम करती है लड़की के साथ, ऐसा कहा जा रहा है. अगर तुम्हें एक्सेप्ट है मैं तुमसे शादी करूँगी, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई नहीं. लाइफ में सब कॉम्प्रोमाइज करते हैं. मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर सकती हूँ. सुटिट्स रबिश, तुम्हें कोई जरूरत नहीं कुर्बानी देने की. मैंने खाना छोड़, तू जीजा पे हाथ उठा रहा है. जीजा जीजा कैसा जीजा? डैडी जी, डैडी आपको क्या लगता है और इसका चक्कर इस लड़के के साथ में? मामी जी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, काट डालो इनको. तेरे से ये उम्मीद नहीं थी. तो क्या होमोसेक्सुअलिटी या लेस्बियनिज्म को अपनाने के लिए या उसके बारे में सुनने के लिए हमारी जनता तैयार है? ये कॉन्सेप्ट कैसा रहेगा? आइए पूछते हैं हमारे कार्ड से. तो हम काफी लंबा जर्नी कवर कर चुके हैं. लोगों को अंदाज़ा तो है कि हाँ वक्त बदल रहा है, लोगों की चॉइसेस बदल रही है, सेक्सुअलिटी बदल रही है, काफ़ी सारी मूवमेंट हो रही है LGBTQ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और ये सब. तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ज़रूर है, और ये देखा जाए तो लोग एक्सपीरियंस करने ज़रूर आएंगे इस कॉन्सेप्ट को, वो जानना चाहेंगे इसके बारे में और ज़्यादा. लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पुरानी सोच जो है, जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोच है, उनको रोकेगी, और शायद इमोशनली वो इससे कन्विंस्ड नहीं होंगे, ऐसा अभी जो है कार्ड्स बता रहे हैं. तो इसमें उनके लिए गाइडेंस क्या है, क्या लोगों को अपने दिमाग में रखना चाहिए? शांति से आप मूवी देखने जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, जस्ट गो फॉर द एक्सपीरियंस. एंड पुरानी सोच जो आपके अभी तक पकड़ के बैठे हैं उसको थोड़ा छोड़िए और नई सोच की तरफ जाने की कोशिश कीजिए. सो कॉन्सेप्ट है, भारी है, बट जिसने भी ये कोशिश की है बताने की, ये तो वक्त ही बताएगा. आइए देखते हैं इस मूवी में जो कास्ट है उसकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपस में कैसी रहेगी, क्या वो एक अलग फ्लेवर लेके आ पाएंगे इस ऑन स्क्रीन. क्योंकि पहली बार है जो सोनम कपूर और अनिल कपूर एक साथ एक मूवी में दिखेंगे. एट द सेम टाइम राजकुमार राव का पिछला साल बहुत अच्छा रहा है मूवीज़ के साथ, तो वो क्या लेके आएंगे अपना एलिमेंट. और वो रोमांटिक मूवीज़ में कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगते हैं. एंड जूही चावला ऑफ ऑल पीपल, यू नो शी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्यूटनेस इन द मूवी. तो क्या कहते हैं कार्ड्स कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कैसे रहेगी आपस में एक दूसरे के साथ, और विल इट ऐड टू द मूवी. डैडी स्वीटी तैयार है शादी के लिए? क्यों नहीं रेडी होगी, इनको एक दूसरे मोहब्बत है, इश्क है, उनसे ये एक दूसरे के हबीब हैं. क्यों पुत्र? अंकल इतनी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती. मेरे नाल पार्टनरशिप करोगे? किस टाइप की पार्टनरशिप, प्रोफेशनल या पर्सनल? मैं हुआ है कभी ट्रू लव टाइप? ओह वाओ, बहुत अच्छी रहेगी. और कुछ नहीं, आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए आप जरूर जा सकते हैं, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे. ब्यूटिफुल एनर्जीज, बहुत सिंक्रनाइजेशन, बहुत ज़्यादा उनकी टाइमिंग ट्यूनिंग जो आप देखना चाहते हैं, एक बिकॉज इंडियन फैमिली आई एम श्योर इसमें दिखाया गया है. इट इज़ गोइंग टू बी फन टू वॉच देम टुगेदर. एंड
देर इज नो लुकिंग बैक. मतलब बहुत मजा आएगा आपको सिर्फ उन लोग को देखने के लिए. कभी कभी हम मूवीज जाके देखते हैं तो कॉस्ट्यूम्स के लिए देखते हैं, पीछे सेट्स कैसे लगे हैं, यू नो कौन सी फॉरेन कंट्रीज में घूम रहे हैं लोग. लेकिन कभी कभी सिर्फ कैरेक्टराइजेशन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है. एंड वो मूवी ओवरऑल आप निकलेंगे तो एक लाइट हार्टेड उससे निकलेंगे, क्योंकि उनको देख लिया तो बहुत मजा आएगा उनकी एक्टिंग में. बहुत ब्यूटीफुल सिनर्जी है, वेरी गुड कैरेक्टराइजेशन. अगर स्टोरी में आपको लगे कि दम है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन जस्ट गो फॉर दीज कैरेक्टर्स, यू नो दीज आर्टिस्ट जो अपना एलिमेंट इसमें लेके आ रहे हैं. अमेजिंग. तुसी चाहे जो भी कर लो, मैं नहीं चुप रहूंगी. बहुत चुप रहेंगे. अब ये आर्टिस्ट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये देखते हैं कि क्रिटिक्स इनको कैसे रेट करेंगे. लेट्स सी व्हाट द कार्ड्स हैव टू से दैट वेदर द क्रिटिक्स आर गोना अप्रिशिएट क्या उनका एक्टिंग और उनकी जो कला है उसको एडमायर कर पाएंगे कि नहीं. नथिंग ग्रेट एक्चुअली, यू नो, बिकॉज क्रिटिक्स का तो काम ही है क्रिटिसिज्म करके उसके अंदर से धज्जियाँ उड़ाना, तो वो इतना ग्रेट नहीं होगा, एवरेज रहेगा. बहुत इसको ऑब्वियसली उनके हिसाब से शायद कॉन्सेप्ट को बहुत हल्के में समझाया गया या हल्के में दर्शाया जाएगा. उनको लगेगा ये एक कॉन्सेप्ट तो अच्छा है लेकिन उसको जिस तरह से प्रदर्शित करा जा रहा है वो शायद करेक्ट नहीं है. तो एवरेज रेटिंग मिलेगी क्रिटिक्स की तरफ से. सो देखते हैं कि फाइनेंशियली यानी कि बॉक्स ऑफिस, आफ्टर ऑल कोई भी हिंदी मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा कर रही है वो बहुत ज़रूरी है देखना. तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या हिट है या सुपर हिट है या एवरेज है, ये देखा जाए कि वो बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी क्या करने वाली है. विल इट बी अ हिट? वेल, हिट तो हो ही जाएगी. शायद सुपर हिट की कैटेगरी में ना पहुंच पाए लेकिन हिट हो जाएगी ये मूवी. बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी इसको, लेकिन इवेंचुअली उसको उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है जिन्होंने बनाया है इस मूवी को उसको कितना मैचअप करती है वो थोड़ा सा मिसमैच जैसा रहेगा, क्योंकि जो बनाने वाले हैं उनको ये लगता है कि मूवी बहुत अच्छा करेगी. बट येस, इट इज़ गोइंग टू बी अबव एवरेज काइंड ऑफ अ मूवी. और आइए देखते हैं कि इसमें क्या रेटिंग मिल सकती है. बिकॉज हम तो हर चीज़ रेटिंग और रिव्यूज़ के हिसाब से जाते हैं, राइट? सो क्या इसको रेटिंग 2 मिलेगा, 2.5 मिलेगा या 3 या उससे ज़्यादा? आइए देखते हैं. वेल, 2-2.5 रेटिंग के होने के चांसेस काफ़ी है. 3.5 तक तो पहुँच सकता है. बिटवीन 2.5 and 3.5 कहा जा सकता है. 3 नहीं होगा, या तो 2.5 की रेटिंग मिलेगी या 3.5 की रेटिंग मिलेगी. बाकी ये मूवी अपने फैमिली के साथ आप देख सकते हो, जस्ट फॉर द आर्टिस्ट. आइए पूछते टैरो कार्ड से मूवी मेकर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए वाइल यू नो अब तो मूवी आ ही रही है उसके एवज में उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए. हाँ, ज़्यादा लोगों के कहने से अफेक्टेड तो नहीं होना चाहिए. आई एम श्योर वो भी जो बनाते हैं ये मूवीज़ ये जानते होंगे ये बात. अगर आप जानते होंगे लम्हे मूवी की अगर बात करें तो वो अपने समय से बहुत पहले आ गई थी. क्या मूवी गलत थी? नहीं, मूवी बहुत अच्छी थी लेकिन लोगों की सोच में वो फिट नहीं हो पाया कि ये कैसे हो सकता है कॉन्सेप्ट. सिमिलरली अभी वक्त बदला ज़रूर है लेकिन तैयारी लोगों की अभी उतनी नहीं है. लेकिन अगर हम ऐसे मूवीज़ बनाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो ओपन हो जाएगा और ये सारी चीज़ों को लेने लगेगा. अलग का मतलब गलत नहीं, अलग का मतलब डिफरेंट है. सो वो सारे इमोशनल जो स्ट्रगल्स हैं आप फोर्स करना, पुश करना, स्ट्रगल करना छोड़ दीजिए एंड लीव इट ऑन टू डिवाइन, क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ डेफिनेटली हैं. तो एडिशनली अगर मैं टैरो कार्ड्स के साथ बताऊं, अगर वो ब्लेसिंग्स आपको एडिशनल मिल जाती हैं देन योर मूवी कैन आल्सो कम एट 3.5 रेटिंग. सो डोंट वरी, इट्स अ गुड मूवी एंड ट्रस्ट दैट योर प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड. सो ये मूवी मैं तो डेफिनेटली देखने जा रही हूँ, आप भी ज़रूर चुनिए, क्योंकि ये मूवी आपको अच्छा लगेगा. एक अलग फ्लेवर, अलग पर्सपेक्टिव देखने मिलेगा. तो डू वॉच दिस मूवी एंड लेट अस नो विद योर कॉमेंट्स कि आपको कैसा लगा, हमारी प्रिडिक्शन कैसी लगी और मूवी की प्रिडिक्शन कैसे लगी. इन अ नटशेल मूवी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइए. एक लड़की को देखा तो कैसा लगा डेफिनेटली आप बताइएगा कि ऐसा लगा. थैंक यू सो मच. एक लड़की को देखा तो ऐसा.
जिंदगी को देखा तो ऐसा लगा। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें एस्ट्रोवाणी चैनल, डिश टीवी और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।